बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ज़िम्मेदार भाइयों, मैं हूँ असलम अंजुम, आपके साथ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला का आप पे करम होगा। आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि मेरा थोड़ा सा जो है ना वो गला ख़राब है, जिसकी वजह से आपको आवाज़ जो है ना वो कुछ बेहतर नहीं लग रही होगी। तो बढ़ता हूँ अपने उस मकसद की तरफ जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो आज का टॉपिक गुलाबी सुंडी और उसके नुकसानात, उसका हल। गुलाबी सुंडी, जैसा कि आपको पता है कि ये बिनोला खाती है और फुट्टी का जो रंग है वो ज़र्द पड़ जाता है, क्वालिटी ख़राब हो जाती है, रेट कम मिलता है, फैक्ट्रियां लेने से इनकार कर देती हैं, चुनाया भी इसको जो है ना सही तरीके से नहीं चुन पाती। तो बहुत से मसले जो है ना ज़िम्मेदार के लिए बन जाते हैं। तो लिस्ट टेस्ट ये होता है ज़िम्मेदार को नुकसान के, उसका जो है ना तो पैदावार मिलती है और ना ही उसको जो है ना रेट बेहतर मिलता है। तो ज़िम्मेदार भाई, इसके तदारक के लिए, बेहतरीन तदारक के लिए मैं आज आपको बेहतरीन हल दे रहा हूँ, शायद आपको किसी ने ना दिया हो। जिसे कहते हैं कि साला साल तो एक ही नुस्खा आजमाया जा रहा है, डेल्टा मेथ्रीन या डेल्टा मेथ्रीन प्लस ट्राइएज़फास, जिसे डेल्टा फास भी कहते हैं। डेल्टा मेरे ख्याल में ये तो चितकबरी जो है ना सुंडी के लिए ज़्यादा ही कुछ मुअसर है। तो ट्राइएज़फास के साथ मैं कहता हूँ कि ट्राइएज़फास 700 ml, उसके साथ जो है ना 350 ml जो है ना बाइफेंथ्रीन जो है ना लेनी चाहिए और इसका मिक्सर बनाना चाहिए, इसको एक एकड़ पे स्प्रे करना चाहिए, इससे बेहतरीन एक्सीलेंट शानदार आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। इसके साथ अगर आप ये करेंगे तो बेहतर है, ये नहीं करते तो उसके लिए एक और जो है ना बेहतर ही हल है इसका, 700 ml ट्राइएज़फास के साथ जो है ना आप 350 लैम्डा साइलोथ्रीन जो है ना आप ले लें और उसका जो है ना आप इस पर 5 से 6 टैंकी जो है ना आप इस पर स्प्रे करा दें, यानी 100 से 120 जो है ना लीटर पानी इस्तेमाल करें, जिससे आपको बेहतरीन भरपूर नतायज मिलेंगे। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इस वक्त जो है ना शदीद कीड़ों का हमला होता है, क्योंकि ये अगस्त के एंड है और सितंबर शुरू होने वाला है। वैसे भी सितंबर को सितमगर भी, कपास के लिए सितमगर भी कहते हैं, इसमें जो है ना बहुत ही हमला होता है। इसके साथ साथ सफ़ेद मक्खी का भी उरूज पे जो है ना इस पर अटैक होता है। तो उसके लिए आपको डायफेंथोरान जो है ना 200 से 250 ml जो है ना फी एकड़ स्प्रे करना चाहिए और ख़ासतौर पर इसको जो है ना रिपीट करना चाहिए 6 से 7 दिन के अंदर, ताकि सफ़ेद मक्खी का जो है ना मुकम्मल ख़ात्मा हो सके। अगर आपकी फसल में थ्रिप्स का अटैक है तो उसके लिए जो है ना आपको ट्राइएज़फास और उसके साथ बाइफेंथ्रीन, उसके साथ जो है ना आपको क्लोरफिनापायर जो है ना 200 जो है ना ml मिलाना चाहिए फी एकड़। इससे आपको थ्रिप्स का भी बेहतरीन कंट्रोल मिल जाएगा और इसके साथ साथ जो है ना अगर आप डायफेंथोरान इससे हट के यानी स्प्रे करेंगे, ये स्प्रे अगर आपने कर लिया है तो आपको जो है ना 4 से 5 दिन जो है ना आपको इंतज़ार करना चाहिए, आपको फिर जो है ना डायफेंथोरान का जो है ना स्प्रे कराना चाहिए, ताकि जो मक्खी का जो है ना सफ़ेद मक्खी का जो शदीद हमला है ना उसको रोका जा सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में कि आप ज़रूर मेरे इस जो है ना मशवरे पे अमल करेंगे। ये मेरा तजर्बा है इस पर कि आप मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि 700 ml ट्राइएज़फास, उसके साथ 350 ml जो है ना आपने बाइफेंथ्रीन लेना, या फिर दूसरा जो मैंने आपको बताया है लैम्डा साइलोथ्रीन का 350 प्लस ट्राइएज़फास 700 ml फी एकड़ आप स्प्रे करा देंगे, आपको शानदार रिज़ल्ट मिलेगा, एक्सीलेंट रिज़ल्ट मिलेगा। आपको शायद ज़िंदगी में कभी ऐसा स्प्रे आपने किया हो, लेकिन ये भी आपको बताता चलूँ कि इन दो स्प्रे में से जो है ना आपने कोई भी दो स्प्रे जो है रिपीट करने हैं, या फिर इनमें से एक स्प्रे जो है ना पहले करा देना है बाइफेंथ्रीन प्लस ट्राइएज़फास, और दूसरा जो स्प्रे है ना वो आपने कराना है लैम्डा साइलोथ्रीन और ट्राइएज़फास का। इससे जो है ना आपको शानदार एक्सीलेंट रिज़ल्ट मिलेगा, यकीनन ज़िम्मेदार आप जो है ना इससे फ़ायदा उठाएं। बेहतरीन जो है ना इस वक्त जो मौसमी हालात चल रहे हैं जिस तरीके से, और जिस तरीके से हमारा टम्परेचर है, जिस तरह से ये अगस्त का एंड है और सितम्बर का जो है ना
शुरू होना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फसल के हवाले से सितंबर को सितमगर भी कहते हैं, तो मेरे ज़िम्मेदार भाइयों इस पे आपने जो है ना ज़रूर ध्यान देना है। तो आपने मेरी इस वीडियो को जो है ना आपने लाइक करना है और व्यूज़ भी देने हैं, और ये है तो रिक्वेस्ट, आगे आपकी मर्ज़ी है कि अगर आपको ये चैनल लगे अच्छा लगे तो आपने इस पे जो है ना सब्सक्राइब भी करना है, और साथ ही घंटी के बटन पे आपने जो है ना दबाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है ना मेरी इस वीडियो को पसंद करेंगे, शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों को भी बताएंगे कि इसका जो है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है ना फ़ायदा पहुँचे। मशवरा जो है ना इंसान के पास एक अमानत है, और ये अमानत जो है ना दूसरे लोगों तक पहुंचानी चाहिए, ताकि इस मेरा जो मकसद है वो ये है कि आप लोगों को जो है ना इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचे। और मैं उम्मीद करूंगा अगली वीडियो तक कि आप जो है ना बताएंगे कि क्या आपने इस पे अमल किया है, तो आपको क्या जो है ना इसका फ़ायदा पहुँचा है। तो मैं इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह आपको खुश